सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत में सुनवाई हुई। सुरेंद्र पवार के वकील का कहना था कि सुरेंद्र पवार को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिस कंपनी का हवाला ईडी की ओर से दिया गया। उस कंपनी को सुरेंद्र पवार साल 2013 में ही छोड़ चुके हैं। सच्चाई यह है कि सुरेंद्र पवार पर राजनीतिक के तहत कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सुरेंद्र पवार की इलेक्शन की तैयारी अच्छी चल रही है। इसी कारण जो विपक्षी दल हैं वे डरे हुए हैं। बेसिकली इसमें ये था कि पवार साहब को जो है इन लोगों ने इलीगली अरेस्ट किया था, और जिस पर्टिकुलर कंपनी का ये लोग ईडी हवाला दे रही थी, वो पवार साहब तो 2013 में उससे बाहर जा चुके थे। ही हैज़ रिजाइन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो इन्हें तो राजनीतिक शिकार बनाया गया है, क्योंकि एक सिटिंग MLA भी हैं और बहुत पावरफुल हैं, और जितना भी वहाँ पर इनका जो है जो इलेक्शन जो चल रहा था वो बहुत अच्छा चल रहा था, और ये अभी सीटिंग MLA भी हैं और कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो और तो इनके पास कोई रास्ता था नहीं, तो इन लोगों ने इसको एक पॉलिटिकली फॉल्सली इम्प्लिकेटेड करके इन्हें पॉलिटिकली आप समझ सकते हैं वो इंटेंशन थी, और इसलिए इन्होंने इन्हें पकड़ा गया। ऑनरेबल कोर्ट ने बिल्कुल जो हमने प्रेयर लगाई थी वो उसमें, क्योंकि इनकी जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट थे टोटली इलीगल थे, और ऑनरेबल कोर्ट ने उसे माना है और इन्हें जो है रिलीज कर दिया है। तो ये ऑर्डर हमारे आज रात तक आ जाएंगे और सीधे रिलीज।